पर आए, अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कटिहार में गंगा कोसी का मुख्य तटबंध टूट गया है। बांध टूटने से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। हजारों घरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गंगा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से बांध टूटा है। राहत बचाव की कोशिशें जारी हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाके की निगरानी बोट से की जा रही है। हजारों घरों के डूबने की आशंका। बिहार में कटिहार में गंगा कोसी का मुख्य तटबंध टूटा है और बांध टूटने से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। हजारों घरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गंगा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से ये बांध टूटा है। आनंद अमृतराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हैं। आनंद, जो स्थितियां कटिहार में बताई जा रही हैं उसको लेकर प्रशासन कितना सजग है? शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, दावे जरूर किए जा रहे हैं अजीत की तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन कुर्सेला में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और बाढ़ के पानी की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और कई सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। भागलपुर का, कटिहार का और जो पूर्णिया का इलाका है उसमें संपर्क मार्ग में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और कुर्सेला में जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जो वहाँ के निवासी हैं कटिहार के और भागलपुर के, उनमें अफरा तफरी का आलम देखा जा रहा है। ज़बरदस्त नुकसान भी पहुँचा है और गंगा के जलस्तर में अभी और वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पटना से गंगा का जलस्तर कम होता जा रहा है और कटिहार का जो इलाका है, कुर्सेला का इलाका, वो डाउनस्ट्रीम में पड़ता है, जिसकी वजह से जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जो संपर्क मार्ग है उसमें जबरदस्त असर पड़ा है और बाढ़ की वजह से कई घरों में पानी घुस गया। और आनंद ये बताए कि इससे पहले खबरें आई थी कि डिप्टी सीएम जब गए बाढ़ पीड़ितों के पास तो बाढ़ पीड़ितों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। इसका मतलब है कि लोगों में शासन को लेकर बेहद गुस्सा है, नाराजगी है, सही ढंग से संभाल नहीं पा रहा है शासन प्रशासन इस बाढ़ की समस्या को। अब बिल्कुल अजीत, देखिए बिल्कुल अजीत, राघोपुर में गए थे तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो जब हाजीपुर पहुंचे थे वहां पे नाराज लोगों ने उन्हें घेर लिया और सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेके थी कि सरकार की तरफ से जो भी दावा किया जा रहा है वो ड्राइंग रूम में बैठ के दावा किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम हो या फिर सरकार के जो आला अधिकारी, वो दावा कर रहे हैं कि तमाम लोगों को सहूलियत मिल रही है। मुख्यमंत्री जब खुद विजिट पर निकले थे अजीत, तो उन्होंने भी नाराजगी जताई थी कि भाई ऐसे में कैसे काम चलेगा और आप बेहतर व्यवस्था कीजिए। तो जब मुख्यमंत्री ने चिंता जता दी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है और इस वजह से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसका खामियाजा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी उठाना पड़ा है। और अभी भी स्थिति वही है, राहत शिविरों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है अजीत, और अभी भी कई लोग परेशान हैं। भले ही उन्हें दो टाइम का खाना मिल रहा है लेकिन अभी भी जो रहने की स्थिति है उनकी वो बेहद खराब है, गर्मी में, उमस में। जाहिर है ऐसे हालात में शासन को पूरा ध्यान लगाना होगा, पूरा जोर लगाना होगा ताकि इन पीड़ितों की सहायता की जा सके। शुक्रिया आपका, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर वाराणसी और आसपास के जिलों में अचानक आई आपदा ने, इस आपदा से जनजीवन बुरी तरह से यहां प्रभावित हुआ है। राहत कार्य और लोगों के बीच मदद पहुंचाने की होड़ सी लग गई है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जरूरतमंदों और बाढ़ पीड़ितों के बीच काफी मात्रा में राहत सामग्री बांटी जा रही है। बीजेपी खुद इस मौके को भुनाने की जुगत में लग गई है और केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने राज्य सरकार और अफसरों पर लापरवाही का आरोप मढ़ते हुए शासन प्रशासन को सजग और सचेत रहने की सलाह दी है। वो बताएं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जरूरतमंदों और बाढ़ पीड़ितों के बीच काफी मात्रा में राहत सामग्री बांटने की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती, ऐसा कहा जा रहा है, और इसलिए पूरा जोर लगा रही है वो कि बाढ़ पीड़ितों तक सहायता पहुंचे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने अपेक्षा की थी कि अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता जाएं, उनको उनसे पूछें, उनकी जो भी आवश्यक सामग्री हो उसको यहां से कलेक्ट करके वितरण करें। इसी उन्हीं के निर्देश पे हमारा ये कंट्रोल रूम खुला जो 24 घंटे रहता है, 6-6 घंटे के शिफ्ट में 4 टीमें हमारी लगी हुई हैं।
और दूसरी तरफ यूपी सरकार के नुमाइंदे भी बाढ़ सर्वेक्षण और समीक्षा बैठकों में जुट गए हैं। पहले लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक और फिर इलाहाबाद और वाराणसी का दौरा कर लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए। वाराणसी पहुंचे शिवपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक तो केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है, वो भी तब जबकि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। लोग पीड़ित हैं बनारस के और करीब 1,00,000 पीड़ित हैं चंदौली के। वैसे तो हमारे सभी अधिकारी लगे हुए थे राहत में और जो भी व्यवस्था कर सकते थे लगे थे सभी अधिकारी, और अभी हमने निर्देश भी दे दिए हैं सभी अधिकारियों को दोनों जिलों के, बनारस और चंदौली के दोनों गाँव सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। आटा चावल दाल आलू से लेकर के मिट्टी का तेल से लेकर के साबुन से लेकर के सभी चीज़ें उपलब्ध कराएं।